आज के क्वेश्चन देखेंगे सीजीपीएससी प्री का जो इसका एग्जाम आपका 12 फरवरी को होने वाला है, सी सेट का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 2018 और 19 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे मैथ्स से, जबकि एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं ऐसे ही, ठीक है। ये आपका पार्ट अचाई से क्वेश्चन पेपर है, पार्ट चार्ट से क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, ऐसे एग्जाम में आपके बिल्कुल पूछे जाते हैं, यानी कि 1 फरवरी है, आज आपका 1 फरवरी है और 12 फरवरी को आपका एग्जाम है, यानी कि कितने दिन बचा हुआ है आपके पास, सिर्फ 11 दिन बचा हुआ है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाला है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को ध्यान से समझिएगा, ये आपके पार्ट अचाई से क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, और एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके 4 से 5 नंबर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं पीएससी प्री एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका सी सेट का क्वेश्चन पेपर, कौन सा सेट का, सी सेट का क्वेश्चन पेपर है, और ऐसे एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, मैं 7 से 8 प्रकार के क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल नई क्वेश्चन है, 18-19 में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए पहले देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले नेपाल और भारत का दिया हुआ डायग्राम। तो देखिए, भारत व नेपाल के लोगों को विभिन्न मदों पर खर्च प्रतिशत करते हैं, इसका अध्ययन करके हम सही उत्तर ज्ञात करेंगे, तो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भोजन पर भारत का खर्च और नेपाल के खर्च का कितना गुना है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ टॉपिक उसको ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा गया है, भोजन का भारत पर खर्च, भारत पर कितना खर्च है भोजन का, आप देखिए यहाँ पर 144, ठीक है, ये वाला पॉइंट देखिए। उसके बाद नेपाल का पूछा गया, तो मैंने नेपाल का भोजन कितना है, 70%, यानी नेपाल का यहाँ पर 70% है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का 144% है, मतलब डिग्री में दिया गया है, ठीक है। तो टोटल डिग्री इसका कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर देखिए भारत का 144 डिग्री दिया गया है, जबकि नेपाल का भोजन के लिए 70, तो कितने का अंतर है, नेपाल में 70 है और भोजन इसमें दिया गया भारत के लिए 144, यानी कि 2 गुना, कितना है, 70 दुनी 40, यानी कि डबल गुना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 2 गुना, ठीक, 1 मिनट ना, 2 गुना से अधिक होगा, कम नहीं होगा, 2 गुना से अधिक होगा, इसका आंसर डी होगा, ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं, यहाँ पर ये भी सेम है, तो देखिए यहाँ पर भारत और नेपाल से दिया हुआ है, भारतीय लोगों का अन्य मदों पर खर्च लगभग कितना प्रतिशत होता है। देखिए बहुत ही मज़ेदार सवाल है, सी सेट का क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही ज़बरदस्त है, 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है, भारतीय लोगों का अन्य मदों पर खर्च लगभग कितना प्रतिशत है, तो आप सभी को मालूम है खर्च कितना प्रतिशत, देख सकते हैं अन्य लोगों पर, तो अन्य कितना है, 50 भारत के लिए दिया गया है, इसी प्रकार नेपाल के लिए अन्य कितना दिया गया है, 100%, ठीक है। ध्यान से समझिएगा मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको, ठीक है। क्या आएगा जल्दी से कमेंट कर बताइएगा आप लोग भी, कितना पूछा गया, भारतीय लोगों का अन्य मदों पर खर्च लगभग कितना प्रतिशत, किसका पूछा गया, भारत के लिए पूछा गया, तो हम भारत के लिए बनाएंगे, ठीक है। भारत का कितना पूछा गया, 50, तो भारत के कितना है मदों का, 50, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इतना है 50, क्या पूछा गया है प्रतिशत में, तो 50 से क्या करेंगे प्रतिशत, ठीक है, 100 यहाँ पर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर कितना का रहता है, जो डिग्री रहता है आपका टोटल 360 का रहता है, तो 360 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 1 जीरो कट गया, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं 125/9, ठीक है। तो कितने पॉइंट में आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 13.1 मिनट ना, कमेंट ना करें बिल्कुल, ध्यान से समझिएगा, 13.8, यानी कि 14% आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भी आपको 2018 में पूछा हुआ है। तो देखिए जो सी सेट का क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा गया, भारतीय लोगों को जो यात्रा पर खर्च तथा नेपाल के लोगों को यात्रा पर खर्च का अनुपात पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा क्या पूछा गया है, देखिए भारत के लोगों का जो यात्रा खर्च, ये भारत के खर्च के लिए पूछा गया है, यात्रा के लिए, यात्रा कितनी है, 45, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया नेपाल के लिए, तो नेपाल के लिए कितना यात्रा हम देखेंगे, तो यहाँ पर 25, ठीक है। तो चलिए इसको हम ध्यान से समझते हैं, तो पहले क्या पूछा है, भारतीय लोगों के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर 45 अनुपात। अब उसके बाद नेपाल के लिए पूछा गया है यात्रा कितना है, 25, यानी कि 25, तो इसको छोटा रूप में लिख लेते हैं, तो क्या आएगा, 25
पंचे और 25 निया, यानी कि कितना रहे 9:5। तो आपके आसन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन ए दिख रहा है, बिल्कुल सही होगा आंसर ए। अब देखेंगे यह सवाल आपके 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये पाई चार्ट संबंधित, जो कि भारत और नेपाल से है, यहाँ पर भारत दिया है, यहाँ पर नेपाल दिया है डायग्राम। तो यहाँ पर यदि नेपाल का जो शिक्षा पर व्यय कितना है, 22,50,000, कितना है 22,50,000, तो उनका उत्सव पर खर्च कितना होगा, उत्सव पर खर्च पूछा गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं उत्सव यहाँ पर भी दिए गए हैं, यहाँ पर उत्सव दिए गए भारत के लिए और नेपाल के लिए, ठीक है। तो 31 का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है 2019 में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या पूछा गया ध्यान से समझिएगा, इसका आंसर आपका 60,00,000 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यदि नेपाल की जो शिक्षा पर व्यय है, तो इसको ध्यान से समझिए, इसके लिए मैं फार्मूला आपको बताया था, तो इसको ध्यान से समझिए। A×45 किसके लिए पूछा गया है, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा याद, क्या पूछा गया है, यदि नेपाल की शिक्षा पर व्यय पूछा गया है, ठीक है, तो उसका उत्सव कितना होगा, इसमें आप देखिएगा ये एक मिनट ना, ये वाला आपका ये उत्सव और ये उत्सव, नेपाल और भारत पूछा गया है नेपाल की शिक्षा पर्व है, तो नेपाल के लिए बनाएंगे, ठीक है, नेपाल के लिए पूछा गया है। तो इसके लिए 1×45/360, ये 360 क्यों लिखे हैं पता है, ये आपका डिग्री है, 360 टोटल रहता है वृत्त की परिधि, 360 अंश का होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। और इसके लिए पूछा गया कितना है यहाँ पर, 22,50,000, तो 22,50,000, ठीक है। तो इनको चलिए मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ए के लिए पूछा गया था, तो ए के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 360 है उसको 22,50,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो मैं आपको 45 बताया था ये वाला, ठीक है, जो इसको कैंसिल करेंगे ये वाला और ये वाला, तो कैंसिल करेंगे कितना आएगा आपका टोटल 1,80,000, ये जितना भी ये सब ये पूरा आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 120 जो आपका दिए गए उत्सव, उससे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका टोटल 60,00,000 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2019 में पूछा गया है, ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, सी सेट में पूछा गया है। तो देखिए परिवार के द्वारा भोजन तथा मनोरंजन में संयुक्त रूप से प्रति माह खर्च कितनी है, तो देखिए इसका बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, परिवार द्वारा भोजन और क्या पूछा गया, भोजन और मनोरंजन, भोजन ए और मनोरंजन सी, तो आपके ऑप्शन कौन सा है, ए और सी, यानी कि 25 और 9 को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, 25 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 34%, ठीक है, इसको याद रखिएगा 34% आया हुआ है। और खर्च में कुल वृद्धि कितनी की गई है, तो खर्च पर कितनी वृद्धि की गई है, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी की गई है, 33,650, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 33,650, एक मिनट ना, कितनी खर्च की गई है, 33,000 ना, तो एक मिनट, यहाँ पर हम लिखेंगे 33,650, कितना परसेंट आया था, हम टोटल जोड़े थे तो उसको 34% का मतलब होता है, नीचे में लिखेंगे तो परसेंट इसको हटा देते हैं, तो परसेंट यहाँ पर लिखेंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक है। इनको और इनको हम कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर डी आएगा, 11,441 से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी आपका 2019 में पूछा गया है। तो चलिए देखें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, प्रति माह घर का किराया कितना है, प्रति माह घर का किराया, आपका टोटल मासिक आय दिया हुआ है 33,650, कितना दिया है 33,650, ठीक है। अब प्रति माह का किराया पूछा गया है, तो प्रति माह का किराया कितना है, घर का किराया ऑप्शन बी 18, ठीक है। तो क्या करेंगे, 18 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में पूछा गया है तो उसके नीचे में 100 आ जाएगा, डायरेक्ट तो इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, फिर काटते हैं, फिर एक जीरो इधर से कट गया, इसको कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका 60,57, एक मिनट ना, 60,57 आपके आंसर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऐसे ही आपके वीडियो पर रिकॉर्डेड क्लास अपलोड की जा रही है, बिल्कुल PSC एग्ज़ाम के लिए आप लोग को बेस्ट प्लक है, ठीक है। 12 फरवरी का एग्ज़ाम है, आप लोग अच्छे से दिला कर आइएगा, मैं एक छोटा सा प्रयास लेकर आया था वीडियो में। और डेली अगर आप करना चाहते हैं क्लास तो चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना नाम कमेंट करके बताइएगा कि आप PSC की तैयारी करना चाहते हैं या व्यापम की, ठीक है। और एक बात जरूर याद रखना कि छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती यानी पुलिस एग्ज़ाम का जो अभी प्री एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने लोगों ने अच्छे से नंबर पाए, यानी कि 80 से 85
और यहाँ पर 70 से 75 कितने लोगों ने पाए हैं कमेंट करके बताइएगा। और आज से हमारे चैनल पर यानी कि हमारे चैनल पर प्री मेंस की तैयारी कराया जा रहा है, मेंस का, ठीक है। भारत का संविधान से स्टार्टिंग हो चुकी है आज की क्लास में। अगर आप लोग पुलिस भर्ती की भी तैयारी करना चाहते हैं तो डेली क्लास करते रहिएगा। टाइम की बात करें तो टाइम आपका 8:30 बजे, ठीक है, रात को 8:30 बजे, ठीक है। आज के लिए इतना है, थैंक यू।